प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कैरी भाई आओ ना। कैरी कब आओगी तुम बालकनी में? लगता है हमारे पोपट भाई फॉरेनर पे मिट्टू हो गए। पोपटलाल भाई, आपका फ्लैट अगर यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, अरे हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ होता था। क्या आप लोग भी? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटुका का ईयर। हाँ हाँ बोलिए भरत भाई। अरे हाँ हाँ भाई, हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नवरात्रि का बम्पर सेल जोर में चालू है। हाँ, नवरात्रि में हमारी दुकान से आप जो भी माल खरीदेंगे उस पर आपको एक लक्की कूपन मिलेगी और उसका ड्रॉ खुलेगा दशहरा के दिन। हाँ, और जीतने वाले को इनाम में वॉशिंग मशीन फ्री। तो आज शाम को आ रहे हैं ना? हाँ, सबको लेके आइए। ए वेफर वाले, अरे अरे ये वेफर लेके कहाँ घुसे आ रहे हो भाई? अरे ये वेफर वाले, तुम बाहर जाओ भाई, इनको नहीं चाहिए वेफर, बाहर जाओ। अरे नटू काका, अरे मैं हूँ। अरे ये पकड़ो, रखो इधर। अरे हाँ सेठ जी, मगर ये क्या है सर? ये क्या, ये क्या बना आपने? अरे नवरात्रि सेठ जी, नवरात्रि, नवरात्रि के नौ दिन आनंद। लेकिन सेठ जी, ये इतने सारे वेफर्स के पैकेट, नवरात्रि के नौ दिन आप उपवास करने वाले हैं? नहीं, ये अपने नहीं है, ये तो किशोर भाई ना साड़ी वाले, दो दुकान छोड़ के नहीं आ। किशोर भाई कारिया? हाँ वो कारिया, वो उनके उनके साथ अहमदाबाद में रहती को जी है, बढ़िया बना दिए वेफर, सुंदर आया तो लेके आया अपने साथ। जाओ बुला के आओ किशोर भाई को, दे दे उसको। अरे बाप रे, इधर गिर गया देखो। आइए किशोर भाई। हाँ जी हाँ, ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ आइए किशोर भाई, ये आपका पार्सल आ गया अहमदाबाद से। थैंक यू, मेरी सास का फोन आ गया था अहमदाबाद से। एक दो तीन चार पाँच, हाँ छः, अरे बाप रे, और सात, बराबर जेठालाल जी, ये तो सात पैकेट है, मेरी सास ने तो दस पैकेट भेजे थे ना, तो बाकी के तीन पैकेट बराबर वो दस थे ना, तो तीन वो क्या वो मेरे साले ने ले लिए अपनी बहन के लिए। क्यों? वो बहुत बढ़िया बनाती है ना ये वेफर आपकी सास, तो वो आंदा ने बोला ना उसका पैसा मैं दे देता हूँ। तीन का कितना? ओ एक मिनट भाई, पैसों का सवाल नहीं है, ये शाम को मुझे अमेरिका भेजना है मेरी बहनों के लिए,
पांच पांच बहनें मेरी, सबका दो दो का हिसाब था, कर दिया ना हिसाब गड़बड़। जेठालाल, कोई आप पे इतना भरोसा करके वेफर भिजवाता है और आप उसे अपने घर पे रख लेते हो, वो भी बिना पूछे। इतनी घिनौनी हरकत, शी। सेठ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, किसी की अमानत पर नजर नहीं डालनी चाहिए। अरे मैंने नहीं डाली और सुंदर ने डाली है। अरे किसी ने भी डाली हो, पर मेरे तो वेफर के तीन पैकेट गए ना। जेठालाल, मैं सारे एरिया में बता दूंगा कि जेठालाल की नियत में ना खोटे खोट। वेफर चोर, वेफर चोर, वेफर चोर। ए रुका है, किसका बोलता वेफर चोर? सेठ जी, आज आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मेरी परसों की जमाई हुई इज्जत पर अपने वेफर फेर दी। ये सुंदर की वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। ओ खुदाई, शु बात छे, देवन अहमदाबाद जा रही है चनिया चोली लेने। क्या बात है देवन? अरे देवन, आप जा रही ना तो मेरे लिए वो मोर पंख के कलर वाली चनिया चोली लेके आना। दया भाभी, अंजलि भाभी ने पिछले साल जो चनिया चोली पहना था ना, उसके दुपट्टे का जो पीला रंग था ना, मुझे वो रंग चाहिए प्लीज। उससे अच्छा है आप सभी हमारे साथ चलो ना। अरे वाह केरी बेन, इतना मस्त आइडिया दिया। केरी बेन, मन तो हम लोग का भी बहुत कर रहा है आपके साथ अहमदाबाद आने के लिए। हाँ, पर वो आने जाने के खर्चे का सोचना पड़ेगा ना। माधवी भाभी, उसके बारे में आप मत सोचिए। जैसा सुंदर भाई ने कहा है वैसा करोगे ना तो आपका प्लेन का खर्चा भी नहीं होगा। तो क्या सुंदर भाई बिना टिकट प्लेन में लेकर जाने वाले हैं? नहीं नहीं, ओ कम ऑन कोमल भाभी, आप पहले आइडिया तो सुन लीजिए। अच्छा, कैसा लगा आइडिया? तो हम सब चलते हैं अहमदाबाद शॉपिंग करने के लिए, 9 बजे तक वापस भी आ जाएंगे। हाँ, वन डे पिकनिक। अरे लेकिन अंजलि भाभी साथ में नहीं आ रही है। क्यों? क्यों? वो क्या है ना, मेरी लता आंटी की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे उनको लेकर शाम को हॉस्पिटल जाना है। पर आप लोग जाइए ना, और वैसे भी मेरे ख्याल से मेरा यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है। आप लोग नहीं होंगे, बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, और सबसे महत्व की बात, आज पहला नौरता है तो शाम को माता जी की आरती करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ रहूंगी। ठीक है? ओह सो स्वीट अंजलि बबी, आप यहाँ पे सब का ध्यान रखेंगी, सबके लिए खाना बनाएंगी। अरे बढ़िया लैपटॉप है माय डियर बच्चे। वीरा सुनो, हम सोसाइटी की सारी औरतें अहमदाबाद शॉपिंग के लिए आ रही है। प्लान क्या? अरे वाह, तो तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, अब मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। अगर भाई, पहले हमारे पतियों को पूछना पड़ेगा ना। हाँ तो जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, जल्दी करो नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो जल्दी करो, वक्त बहुत ही कम है अपने पास। चनिया चोली लेने अहमदाबाद जा रहे हो? वो भी बस ट्रेन में नहीं, प्लेन में। देखा वेट लगने के तुला फालतू का खर्चा, अहमदाबाद जा रहे हो वो भी ऐसी चीज के लिए जो यहाँ पे 10 जगह पे मिलती है। कोई फालतू का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनू माधवी, क्या क्या लॉजिक क्या इसमें, चारने की मुर्गी रुपए का मसाला है। ये मेरी बात तो सुन लीजिए आप। देखिए आपको सही नहीं लगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी, बस। ठीक है बोलो क्या बात है। देखिए ये सब सुंदर भाई ने आइडिया बताई है। अच्छा, ऐसा सब है। ठीक है फिर। थैंक यू। और ये बात ना भी होती तो मैं प्लेन से तेरे को अहमदाबाद जाने की इजाजत दे देता। और तू जा बिंदास जा। Oh, thank you, Roshan. I just love you. I love you too. Hey, भाई, अपना काम करना। क्या देख रहा है? Hey, Roshan, तू कहे तो मैं भी तेरे साथ अहमदाबाद चलूं? अरे नहीं रे नहीं रोशन, गोगी यहाँ अकेला है ना तो तू उसका ख्याल रखना, दिन भर फोन करते रहना। हाँ, और हम लोग तो शाम तक वापस आ ही जाएंगे बाबा। और रोशन, गोगी पुत्र की तू चिंता ना कर, और मैं हूँ ना, तो खुशी खुशी जा, खुशी खुशी अहमदाबाद से आ। थैंक यू, बाय बाय। यू वेलकम, बाय। कोमल,
तुम तो अहमदाबाद चली जाओगी, पर मेरे खाने का क्या होगा? हंस, अभी का खाना मैंने बना लिया है और शाम का खाना अंजलि भाभी बनाने वाली है। ठीक है, पर उनसे कहना खाने में थोड़ी ज्यादा वैरायटी बनाए। हंस प्लीज, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, अंजलि भाभी जो भी खाना बनाए, जितना भी खाना दे, प्लीज खा लेना चुपचाप। ठीक है, फिर भी अगर मुझे भूख लगी तो होटल से मंगा लूंगा। हंस बबीता, अचानक प्लीज आइए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारे इतनी अच्छे खासे शॉपिंग हो जाएगी और हमारा आने जाने का फेयर बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, लेकिन तुम शॉपिंग करके वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाना, कहीं तुम्हारा वो प्लान मिस ना हो जाए। तुमको याद है ना मैं हैदराबाद गया था तब? मुझे सब कुछ याद है। थैंक यू सो मच एंड डोंट टेक एनी टेंशन, मैं बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाऊंगी। ओके, थैंक यू। यस भैया, खर्चा भले ना हो लेकिन ये सुंदर का प्लान है, देखना जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी का नवरात्रि में चनिया चोली खरीदने का उत्साह हो, मायके जाने का मन हो और आपका दाग हो जाता, तुम समझो तो बैंगन भर सकते हो जाता है। अरे दया, मैं तुम्हें अहमदाबाद जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। मना नहीं कर रहा है तो और क्या कर रहे हैं? जरूर देखना, कोई गड़बड़ तो होगी, ऐसा बोल के मना ही तो कर रहे हैं। वो तेरे भाई के भूतकाल के मेरे अनुभव की वजह से बोल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं जाना कैंसिल करती हूँ, बस खुश। तो फिर क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? अरे जा भाई जा, बस जा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दया, देखो बच्चों, मस्ती मत करना, ओके? ओके। टप्पू सेना मस्ती नहीं करेगी, डोंट वरी आंटी। वेरी गुड, टप्पू सेना का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ ना। थैंक यू अंजलि भाभी। अरे चलो चलो जल्दी करो, सुंदर वीरा का एयरपोर्ट से फोन आया था, चेक पेन के बारे में बोल रहा था। चलो। चेक पेन? मम्मी, चेक पेन नहीं, चेक इन। हाँ हाँ बेटा, वही। सोनू, अपना ख्याल रखना और बाबा का भी, और बाबा को तकलीफ नहीं देना। हाँ, रात तक आ जाएंगे बेटा। हो आई आदमी, उसको मालूम है वो बड़ी हो गई, अभी चलो प्लेन का टाइम हो रहा है। हाँ बस गोगी, खाना वक्त पे खा लेना और पूरा खाना खत्म करना। हाँ, फिकर मत कर। कोमल, अहमदाबाद से मगनलाल की काजू कतरी लाना मत भूलना। चलो चलो चलो, आजा आजमाराम, मैं चलता हूँ। एक मिनट एक मिनट, अय्यर भाई और सब लोग रात को ठीक वक्त पर खाने पे आ जाना। हाँ प्लीज। अरे अंजलि भाभी, कोई आए या ना आए, मैं तो टाइम से पहले आ जाऊंगा। हाथी भाई, सबको आना है। अरे भाई क्या हुआ, सब लोग ऐसे जमा क्यों हो गए? क्या रात को नवरात्रि में गरबा का कार्यक्रम था, वो कैंसिल कर दिया? हाँ, सीविंग में फ्लैट नंबर 202 में जो रहता है ना पोपटलाल, उसके लिए कैंसिल है। ये भिड़े पोपटलाल, कोई कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, सोसाइटी की सभी लेडीज अहमदाबाद गई है, तो हम उनको बाय बाय करने आए थे। क्या, सारी लेडीज अहमदाबाद चली गई? और साथ में कैरी भी चली गई। क्या, कैरी भी गई? मुझे बोला भी नहीं, ऐसे ही चली गई। चलो 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 चलो। माय डियर कैरी, दिस इज जलेबी। व्हाट इज दिस? राउंड 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 एंड फुल स्टॉप। दिस इज जलेबी। ओके, गेट इट, गेट इट। खाने
कैसा लगा आपको हमारा ढोकला? एंजॉय, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। हां भाभी बहुत प्यार से मिलाती है। अरे मैं तू यहाँ अहमदाबाद में? अरे रेवती कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैं, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आज ही मुंबई से आई और सीधा दास भाई के खबर खाने के लिए पहुँच गई। चल चल घर चल दया चल। अरे नहीं नहीं मेरी बात तो सुनिए, क्या है कि मुझे चनिया चोली खरीदनी है ना, इसलिए मैं स्पेशल मुंबई से एरोप्लेन से यहाँ अहमदाबाद आई और रात को स्पेशल एरोप्लेन से मुंबई चली जाऊंगी। वीना मौसी आप इनको मिलिए, ये सब मेरी सहेली है, सोसाइटी में ही रहती है। तो क्या है कि टाइम नहीं है मेरे पास। अरे दया आज नवरात्रि का पहला दिन है, तू अहमदाबाद आई और अहमदाबाद में आके गरबा ना खेले ऐसा कैसे हो सकता है? चल 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 गरबा खेल के ही जा। लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ, देखो टाइम ही नहीं है। रुक जाते हैं ना दया भाभी, यहाँ का गरबा देखने का फिर मुझे कब चांस मिलेगा? हाँ रुक जाते ना हम लोग एक दिन के लिए, प्लीज प्लीज, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ सब घर वाले चिंता करेंगे ना। हाँ बराबर है, क्या है टप्पू भी घर में अकेला है तो मुझे जाना पड़ेगा मौसी। अरे घर पे फोन कर दे, रात को डांडिया खेल के कल सुबह में चले जाना। हाँ बेना मौसी की बात सही है, ये सबको पता तो चले कि अहमदाबाद का गरबा कैसे है, आज तो गरबा खेल कर ही जाओ। यस। नहीं नहीं सुंदर भाई मेरी बात सुनिए, वो मेरे वो बहुत सुनाएंगे मुझे, वो हमारे जमाने वाली बातें और शिस्तता वगैरह वो बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज सुंदर भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या? हम अंजलि भाभी को फोन करके बता देते, वो आप सबके पति देव को प्यार से समझा देंगे। बहना लो ये लो, फोन पे बात करो, फोन करके बता दो, चलो चलो। हेलो अंजलि भाभी, मैं अहमदाबाद से दया बोल रही हूँ। दया भाभी कैसे हो आप सब? क्या है कि आज हम अहमदाबाद में रुक रहे हैं। क्यों? कि मेरे वीणा मौसी है ना, उनकी बहुत इच्छा है कि आज नवरात्रि है तो गरबा यहाँ ही करके जाए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मजे करो फिर। और हाँ यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, सबको बोल देना कि बच्चों की बिल्कुल चिंता न करे, मैं हूँ ना यहाँ पे। अंजलि भाभी सच कहो आप है ना, इसलिए मुझे बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर होते ना तो बहुत मजा आता, आपकी बहुत याद आ रही है। वही तो, मैं भी तो आप सबको इतना मिस कर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, मेरे हिस्से का गरबा दया भाभी आप जरूर खेल लेना, ठीक है? जरूर, आप भीड़े बहन से बात कीजिए। हेलो अंजलि भाभी, जरा मेरे इनको समझा दीजिए अच्छी तरह से। अरे माधवी भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं भीड़े भाई को ठीक से समझा दूंगी। अरे आप सबको गुजरात की उसमें भी अहमदाबाद की नवरात्रि देखने का मौका मिला है, तो बस आप तो गरबे खेलिए और मजे कीजिए। थैंक यू अंजलि भाभी, अंजलि भाभी ने कहा कि वो सबको समझा देगी। ओहो फ्लाइट में अहमदाबाद चनिया चोली खरीदने गई गोकुल धाम की महिलाओं ने एक ऐसा फैसला कर लिया है कि गोकुल धाम में हंगामा हो सकता है, नवरात्रि के लिए अहमदाबाद में रुकने का फैसला। अब सबको टेंशन है कि उनके पतियों का रिएक्शन क्या होगा। कहने को भारतीय नारी आजाद जरूर हो गई है लेकिन अपने फैसले आज भी खुद नहीं कर सकती, हर बार ये सोचती है कि उसके पति क्या सोचेंगे। क्या पति फैसला करते वक्त ये सोचते हैं कि हमारी पत्नियां क्या सोचेंगी, ये आप सोचिए। खैर इस वक्त हमें ये सोचना है कि जब मर्दों को यहाँ गोकुल धाम में ये पता चलेगा कि नवरात्रि के लिए अहमदाबाद में रुक गई है उनकी पत्नियां तो कितना हंगामा होगा, सारे के सारे मर्द गोकुल धाम सोसाइटी को सर पे उठा लेंगे। अब सोचिए तो जब सिचुएशन ऐसी हो, सर पे उठाने वाली बात हो तो आपके लिए कितने ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत हंगामा बहुत धमाल बहुत ठहाके। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.